श्री रामलला के दर्शन के लिए ट्रेन अब निकल गई, हरी झंडी मिल गई, अंबिकापुर से 1400 लोग जा रहे हैं। मैं ग्राम पंचायत बकिरमा से हूँ, महिला मोर्चा जिला महामंत्री हूँ सोनू तिग्गा। महामंत्री जी हमारी दीदी रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं, उनके लिए ये अग्रवाल सभा के द्वारा राम खिचड़ी का बनवाई गई है लगभग 2000 लोगों के लिए। इतना ज्यादा खुश है? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। हम सोची भी नहीं थी कि राम भगवान का दर्शन होगा। सर पूरा बोगी पूरा भरा हुआ है और पूरा सभी को चाय दिया जा रहा है, देखिए निशुल्क सभी को चाय। सारे लोग जा रहे हैं, 1400 लोग जा रहे हैं बताइए। हाँ 1400 लोग संभाग से, पूरा सरगुजा संभाग से अलग अलग जिला से जा रहे हैं। हाँ सभी अलग अलग जिला से जा रहे हैं। लेकिन और आप लोग नहीं जा रहे? नहीं हम लोग नहीं जा रहे, हम लोग बस स्वागत करने आए थे, कामनाएं देने आए हैं, सबका स्वागत करने आए हैं। हे गाइस वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। अभी हूं मैं अंबिकापुर के रेलवे स्टेशन में। सरगुजा संभाग से कई सारे लोग जा रहे हैं रामलला जी के दर्शन में और यहां पे आप लोग देख सकते हैं अग्रवाल समाज की ओर से यहां पे भंडारे का भी व्यवस्था रखा गया है। जो भी जा रहे हैं रामलला के दर्शन के लिए उनको यहाँ से अच्छे से खिला पिला कर विदा कर रहे हैं। आइए बातें करते हैं जी, हमारे अध्यक्ष जी हैं। जी सर जी मैडम बताइए। जय श्री राम। जय श्री राम जी। ये जो चला रहे हैं इसके बारे में बताइए और जो जा रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? जो रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं उनके लिए ये अग्रवाल सभा के द्वारा राम खिचड़ी का बनवाई गई है लगभग 2000 लोगों के लिए। जी जी। अभी टोटल कितने लोग जा रहे हैं? अभी तो जा रहे हैं 1000 लोग हैं, लेकिन हम लोगों ने व्यवस्था 2000 लोगों की हुई थी। पूरा माहौल जो है राममय हो गया है, सभी लोग सभी श्रद्धालुओं में बहुत ही उमंग है, प्रसन्नता है और हम लोग सब उनके खाने की व्यवस्था किए हैं और हम लोग अयोध्या में भी खुशी खुशी भेज रहे हैं। बिल्कुल हम लोगों को तो आज ऐसी खुशी लग रही है जैसे कि दीपावली है। हम खुद जा रहे हैं, हम लोग भी ऐसा लग रहा है कि बाई रोड जाएंगे इसके पीछे पीछे, इस ट्रेन के पीछे। देख रहे हैं यहाँ पे खिचड़ी है, मिक्स वेज पुलाव है, चटनी है और यहाँ पे खिला के अच्छे से खुशी खुशी विदा कर रहे हैं। रामलला के दर्शन करेंगे यहाँ पे। जी क्या कहना? बोलो रामचंद्र की जय। जो परिश्रम कर रहे हैं फिर से बोलने के लिए। आप लोग कब जाएंगे? हम लोग अगले चरण में जाएंगे। अभी पहला चरण, हाँ ये प्रथम चरण था और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व इसके लिए ये जो रामलला के दर्शन के लिए एक ऐसी योजना, एक ऐसे अभियान को इन्होंने तैयार किया है। निश्चित रूप से पूरे क्षेत्रवासी, पूरे प्रदेशवासी, पूरे राष्ट्र के लोग बहुत प्रसन्न हैं कि उन्हें इस प्रकार से कम शुल्क पर, अर्थात मैं ये कहूंगा कि निःशुल्क ही राम भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी और हमारे विष्णुदेव साय जी, हमारे मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद हम लोग करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पानी का व्यवस्था यहाँ पे लगा हुआ है, ये चाय कॉफी का भी व्यवस्था लगा हुआ है। यहाँ पे जो भी श्रद्धालु जा रहे हैं दर्शन के लिए उनके लिए यहाँ पे पूर्ण रूप से जैसा देख सकते हैं ना, और ढोल नगाड़े के साथ खुशी खुशी इनको भेज रहे हैं। आइए इनसे बातें करते हैं। जी दाई आप लोग जा रहे हैं? नहीं बेटा हम ही नहीं ले जाए, हम एमपी से हैं। अच्छा एमपी से हैं आप? अच्छा लेकिन जा तो नहीं रहे हैं, हमारा मतलब वो नहीं बन पाया ना जानकारी। हम दूसरे चरण में चले जाइएगा तो इसका जानकारी ले जाना है। दूसरे चरण में अभी ना, इस चरण में मैं भी नहीं जा रही हूँ ना, अगले जब दूसरा चरण होगा तो उसमें जाइए तो हमको भी ले जाइए। अब हाँ अभी इसके बाद पता चलेगा ना। हाँ हाँ कब जब अब हमको हम यहाँ जानकारी हुआ की हमको तो, नहीं तो हम बीजेपी बालापन से बीजेपी का, जब से बीजेपी सरकार बैठा तब से हम उसके वामी हैं, हैं उसके पास हमारे पास रसीद है बीजेपी का, जब से शुरू बीजेपी का। ठीक है ना, दूसरे चरण में आप चले जाइएगा। ठीक है तो इस चरण में जाने दीजिए लोगों को, उसके बाद दूसरे चरण में जाइए। तो दूसरा चरण की जानकारी जब हमको मिल पाए, मिल जाएगी ना, फॉर्म भरे हैं, फॉर्म भरे हैं तो वही तो फॉर्म भरने का, जब जानकारी नहीं होता है कोई बात। अभी मैं यात्रियों से बातें करने के लिए जा रही हूं और सामने आप लोग देख सकते हैं यहां पे खाना, काफी ज्यादा खाना है यात्रियों के लिए। जो श्रद्धालु हैं जो रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं उनके लिए खाना यहां पे बनाकर लेकर जा रहे हैं। पूरा पैक है खाना, आप लोग देख सकते हैं ना, मीठा है, चावल है, मिक्स वेज की सब्जी है, दाल है। टोटल कितना खाना है? 1400 लोग जा रहे हैं क्या, उससे ज्यादा?
अभी मैं ट्रेन के अंदर आ गई हूँ, बोगी पे आ गई हूँ। आइए हमारी दीदी से, हमारी दादी लोग से बातें करते हैं कि कितना ज्यादा उत्साह इनके में है, रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं, जो हम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते कि एक दिन रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे, लेकिन आज जा रहे हैं, फाइनली वो दिन है। कितना ज्यादा खुश है? बहुत खुश है, बहुत खुश है। हम सोची भी नहीं थी कि राम भगवान का दर्शन होगा। हाँ, आज हम लोग का मौका मिला। कितना दिन का टूर है आप लोग? ऐसे तो बोले हम 10 तारीख के यहाँ वहाँ से चल देंगे। हाँ, तो 11 तारीख के यहाँ घर में पहुँच जाएंगे। क्या क्या लेकर जा रही है अपने साथ आप? क्या सामान लेके नहाने का क्या लेके जाएंगे? वहाँ से लेने जा रहे हैं, राम लेकर आएंगे। हाँ, आचर पसार के मांगेंगे। प्रसाद खिलाइएगा जी, कहे नहीं खिलाएंगे, खिलाएंगे है ना जी। बढ़िया, अच्छा अच्छा सामान लेकर आइए, यादगार। हाँ, यादगार। और रामलला का जो मूर्ति मिलेगा जरूर लेकर आइए। जरूर लेके आएंगे। जय श्री राम। पूरा ट्रेन आज अंबिकापुर का, आज ट्रेन पूरा भगवा में हो गया है। हाँ, मचा देंगे राम भगवान का। मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे? क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। अच्छा, तो वोट किनको देंगे? मोदी जी के देंगे, और किसको देंगे? जो लेकर जा रहे हैं। हाँ, मोदी जी के देंगे, जब इतना वो पुण्य कमा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। तो पूरा अंबिकापुर का जो ये ट्रेन है दोस्तों, पूरा भगवामय हो गया है। जय श्री राम बोलते हुए जा रहे हैं। खाना आप लोग देखिए, आप लोग के लिए खाने का भी व्यवस्था है जी। अभी मैं ट्रेन के अंदर में हूँ और आप लोग यहाँ देख सकते हैं, कई सारे लोग जा रहे हैं रामलला जी के दर्शन के लिए। सभी आई कार्ड लगाए हुए हैं, सभी का आई कार्ड सबसे पहले ही बन गया था, है ना। तो बहुत ही खुशी का दिन है ये कि अंबिकापुर से रामलला जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, और पूरा बोगी पूरा भर गया है। कैसे हैं आप? एकदम अच्छे। कितना खुश हैं? बहुत ज्यादा खुश। लगा था आपको कि मैं रामलला के दर्शन कभी कर पाऊंगा? लगा ही नहीं था, बिल्कुल नहीं लग रहा था। पर भगवान जी की इच्छा हुई कि चल पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएंगे पक्का। और हम लोग के लिए प्रसाद लेकर आइए। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर लेके आएंगे। ये देखिए, इतने सारे लोग जा रहे हैं, इधर बैठे हुए हैं, है ना। तो पहले से इनका फॉर्म भरा हुआ था, पहले से इनको फॉर्म भरना था। इतने सारे पूरा बोगी पूरा भरा हुआ है, और पूरा सभी को चाय दिया जा रहा है। देखिए, निशुल्क सभी को चाय दे रहे हैं। और ये देखिए, कितना खुश है यार, बहुत खुश है, बहुत खुश है। कैसे आप लोग? हम लोग लखनपुर मंडल से हैं। और कितने दिन का टूर है? हम लोग का 1 दिन का ही है, बस जाएंगे भगवान के पास, जाएंगे दर्शन करेंगे और तुरंत वापस आएंगे। पहला चरण है ना अंबिकापुर? पहला चरण है। इसके बाद दूसरा चरण कब? इसके बाद दूसरा चरण अब समथिंग, अब कंफर्म मेरे को तो पता नहीं है मैडम, लेकिन पहले फॉर्म भरे थे इसके। हाँ, इसके लिए हम लोगों संगठन के द्वारा निर्देश हुआ था। जिला आई कार्ड सब कोई लगाए हुए है? आई कार्ड सब लोग लगाए हुए है। जिला महामंत्री अभिमन्यु गुप्ता जी, आदरणीय ललन प्रताप जी के निर्देश से हम लोगों को हुआ था। हम लोग दिए थे पूरे मंडल में 20-25 की संख्या में आने के लिए पहले बार बोले थे हम लोग। इतने सारे लोग जा रहे हैं, 1400 लोग जा रहे हैं? हाँ, 1400 लोग जा रहे हैं। पूरे सरगुजा संभाग से अलग अलग जिला से जा रहे हैं? हाँ, सभी अलग अलग जिला से जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पूरा सरगुजा संभाग से ही अंबिका यही से बैठ के निकलेंगे। और समय है छूटने का आप लोग का ट्रेन? हम लोगों का अब 1:45 को निश्चित समय निर्धारित किया गया था, अब देखते हैं व्यवस्था के ऊपर सभी लोग अब, लेकिन 1:45 इसी ट्रेन से आप लोग वापस आएंगे? जी, इसी ट्रेन से वापस आएंगे। और सब जा रहे हैं, सभी का यात्रा शुभ हो, यात्रा मंगलमय हो, जा रहे हैं। आप सभी को जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अंबिकापुर के विधायक सक्रवाल जी आ गए हैं, है ना। आप सभी को विदा कर रहे हैं, सभी को खुशी खुशी जाएंगे रामलला जी के दर्शन के लिए। यहाँ पे ढोल नगाड़े के साथ सभी को विदा कर रहे हैं, जैसा आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ है, क्योंकि 1400 लोग जा रहे हैं रामलला जी के दर्शन के लिए। चारों ओर भीड़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और पूरा अंबिकापुर का जो रेलवे स्टेशन है वो पूरा भगवामय हो गया है दोस्तों। अभी जा रहे हैं हरी झंडी दिखाने के लिए, सभी कोई चल रहे हैं हरी झंडी के लिए। सामने से हरी झंडी दिखाएंगे, उसके बाद जाएंगे रामलला जी के दर्शन के लिए। तो काफी ज्यादा भीड़ और काफी ज्यादा मुझे भी मिल रहा है। हेलो, कैसे हो? कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं मस्त हूँ। और आप लोग नहीं जा रहे? नहीं, हम लोग नहीं जा रहे, हम लोग बस स्वागत करने आए थे, कामनाएं देने आए हैं, सबका स्वागत करने आए हैं। सामने आप लोग देख रहे हैं जो नेतागढ़ के जो हैं वो आ रहे हैं सामने से, अभी जा रहे हैं हरी झंडी दिखाने के लिए। अभी सामने आ गए हैं, यहाँ पे अंबिकापुर का बोर्ड भी लगा हुआ है, जैसा आप लोग देख रहे हैं ना। अब यहाँ पे हरी झंडी दिखाएंगे,
सामने आ गए हैं, जो हमारे नेतागण हैं वो बीजेपी के जितने भी कार्यकर्तागण हैं वो यहाँ पे आ गए हैं। ऊंचे चढ़ में यहाँ पे हरी झंडी दिखाएंगे, हरी झंडी दिखा रहे हैं जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसा आप लोग देख सकते हैं हरी झंडी यहाँ पे मिल गई है अयोध्या श्री राम लला के दर्शन के लिए। श्री राम लला के दर्शन के लिए ट्रेन अब निकल गई, हरी झंडी मिल गई। अंबिकापुर से 1400 लोग जा रहे हैं श्री राम लला के दर्शन के लिए। जितने भी यात्री हैं वो अब निकल पड़े हैं श्री राम लला के दर्शन के लिए। बहुत ही खुशी की बात दोस्तों, कमेंट सेशन में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा दोस्तों। जय श्री राम, प्रसाद लेते आइएगा। हाँ यहीं पे रहूंगी मैं। और बहुत ही खुश सब यात्रीगण जाते हुए। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं दोस्तों। आप लोग देखिए अंबिकापुर से 1400 लोग श्रद्धालु गए हैं श्री राम लल्ला जी के दर्शन के लिए। और ये हमारे दीदी लोग हैं, आइए इनसे बातें करते हैं। कितना ज्यादा खुश हैं? बहुत ज्यादा खुश। आप किन को छोड़ने आई थी? नहीं, ये जितने जा रहे हैं राम लल्ला दर्शन करने जा रहे हैं, शुभकामनाएं के लिए उनको दे रहते हैं। आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम पंचायत बकिरमा से हूँ, महिला मोर्चा जिला महामंत्री हूँ सोनू तिग्गा। महामंत्री जी हमारी दीदी तो, और आप कब जा रही हैं? मैं दूसरे चरण में, मुझे भी ले चलिएगा, आपको लेके जाऊंगी पक्का। हाँ पक्का। तो दोस्तों जाना है दूसरे चरण में, श्री राम लल्ला के दर्शन करना है और वहाँ से ढेर सारा प्रसाद लेकर आना है और आप लोग को जरूर खिलाएंगे, है ना। तो कब है द्वितीय चरण? जब आ जाएगा समय आएगा। अच्छा, उसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है? हाँ हाँ, फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं दोस्तों। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। आइए इनसे भी बातें कर लेते हैं। जी कैसे हैं? एकदम बढ़िया। आप क्यों नहीं गई? मैं अभी इसलिए नहीं गई कि मैं बाद में जाऊंगी, द्वितीय चरण में जाऊंगी। जी जी। और मैं इस अवसर पे माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगी कि हमारे 11 विधानसभा से सभी लोग यहां से जा रहे हैं और माता बहन भाई सभी खुश हैं इस अवसर पे और बहुत उत्साह है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि कोई कार्यक्रम हो रहा है, कोई पूजा पाठ का कार्यक्रम हो रहा है भव्य टाइप का, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं दोस्तों। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग दर्शन करने के लिए गए हैं कि नहीं गए हैं, और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलेगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय श्री राम, धन्यवाद।